करी। हाँ जी। तो आप ज्यादा मतलब टाइम लिया आपने कि आपके हस्बैंड जो थे वो ज्यादा कंफ्यूज थे कि शादी करें या ना, कैसे मिले थे आप एक दूसरे से? हम मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई की शादी पे मिले थे और वो बहुत जोर से नाच रहे थे और मैंने कहा कि ये क्या आपके अच्छे फ्रेंड है? कह रहे नहीं, तो कॉलेज में एक ही बार मिले हैं हम। अच्छा। तो इतना खुश होकर पता नहीं क्यों डांस कर रहे थे वो तो वहीं से मुझे लगा कि बहुत ही अजीब आदमी है तो शादी कर लूं। बेस्ट फ्रेंड का भाई है, ये इतना क्यों डांस कर रहा है? पर वो आए, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आऊं। मैंने कहा शादी है, ओपन बार है, तू क्या ड्रिंक लेकर आया? तो सब फ्री ड्रिंक मिल रही है यहाँ पर। पर मुझे पता लगा कि उन्होंने वैसा ही एक क्वेश्चन मेरी दूसरी फ्रेंड को भी पूछा था थोड़ी देर पहले। He'll kill me for saying this, but he's one of the most genuine, बहुत ही अच्छे और बहुत ही लॉयल हैं। ये आपने कहा कि बहुत लॉयल हैं, कैसे इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हैं? अब जितना मैं जानती हूँ तो लॉयल है ही, 10 साल से उनके साथ हूँ। बाकी अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे बाद में व्हाट्सएप कर देना। हमने एक ना शो में देखा, एक डेटिंग शो था जिसमें कुशा ना लड़कों को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाती है लड़कियों से मिलवाने। कभी कोई ऐसा लड़का नहीं आपको मिला जिसने कहा कि वो मैंने देखी हुई है जी, रहन दो मुझे, आप पसंद हो गाड़ी इधर ले लो। नहीं, मेरे मैरिटल स्टेटस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, तो थोड़ा मेरा भाबीफिकेशन हो जाता है। लड़के ये रेसिज्म नहीं करते कि लड़की मैरिड है कि नहीं।